ये प्लेस मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इस जगह को मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूँ। हाँ तो भाई ये अपना वही रूम है जिसमें फाइनली वी डिड इट गाइस। ठीक ठाक ही मैनेजमेंट लग रहा है मुझे आ रहा है। कि यहीं पे पीसी बिल्ड करा देते हैं लेकिन अब नहीं करेंगे, सब चीज घर पे लेके जा रहे हैं ऐसे इंजीनियर के साथ, तो घर पे जाके बिल्ड कराएंगे। लेट्स गो, फाइनली वी डिड इट, वी अर्नड इट बाय माय ओन। भाई मॉनिटर क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? स्टार्ट है भाई, रुक गए। गाइस हियर वी गो, ये देखो अपना मॉनिटर। हे गाइस कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बालों को मेरे इग्नोर करना, कल ऑयलिंग किया हुआ था एंड तुरंत उठ के ब्लॉग बनाना पड़ रहा है क्योंकि कारपेंट मतलब मेरा जो मिस्त्री है वो आ चुका है एंड बहुत ज़्यादा घाई कर रहा है, तो मैं बोला भाई पहले ब्लॉग बना लेता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ब्लॉग इस बारे में है कि मैं जिंदगी में कुछ सबसे बड़ा काम करने जा रहा हूँ एट माई 22 एज। बहुत बड़ी काम है, लाइक मेरे लिए तो एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था एंड आई एम फाइनली गोइंग टू फुलफिल इट। एंड आप लोग ये रूम को तो अच्छे तरीके से जानते ही होंगे, ये देख लो पूरा अभी रूम का अच्छे तरीके से कंडीशन देख लो आप लोग। ये रूम में कुछ है ही नहीं, ये कंडीशन के लायक कुछ रूम ही नहीं है। बहुत मतलब क्या बोलूं, मैं इसको खराब भी नहीं बोल सकता। तो रूम में फिलहाल कुछ भी नहीं है, पूरा रूम एम्प्टी है। रूम का हालत देख लो कैसा है। एंड यही है वो प्लेस है जहाँ पे मैंने 75 हार्ड को अचीव किया था। आई थिंक होल 75 नहीं किया था यहाँ पे, बट जो है अंत यहीं पे किया था एंड अंत हस्ती आ रहा हूँ। तो ये प्लेस मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हर उस टाइम पे मैंने इस प्लेस पे अपना मतलब एक्सरसाइज एंड ऑल किया है, तो मतलब ये प्लेस मेरे लिए बहुत मीन्स अ लॉट। तो इस जगह को मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूँ, तो दिस वीडियो इज होल अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस रूम ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं सोचा कि पहले इस रूम को पूरा अच्छे तरीके से आपको दिखा दूँ क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये जन्नत दिखने वाला है, ये 5 स्टार दिखने वाला है। अभी वर्ड्स नहीं मेरे पास यार, मैंने इतना कुछ किया इस रूम में, इतना खर्चे हुए ना भाई, मोटी मोटी बहुत कुछ किया है भाई, बहुत कुछ किया है। और ये सारी चीजें मेरे 4-5 महीनों की मेहनत है, मैंने बहुत मेहनत किया भाई, इतना घसा है ना मैंने जगह जगह जाके, ऑर्डर पे जा जाके काम कर करके, मतलब बहुत काम किया मैंने, बहुत काम किया और तब जाके मैंने इसे अचीव किया एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। मैं आई एम ओवरवेल्म्ड भाई, मतलब आई डोंट हैव अ थिंग्स टू से। तो सब छोड़ो फटाफट, मेरे पास टाइम नहीं है, फटाफट आपको एक रूम दिखाता हूँ क्योंकि आज पहला काम होने वाला है इस रूम में, पहला काम। अभी तक कुछ भी नहीं किया था, पहला काम, क्योंकि सब सेट है, ऑल सेट टू गो, नाउ इट्स टाइम टू आवर फर्स्ट वर्क इन दिस रूम। तो आपको और सब बताता हूँ। ये रूम, ये मेरा रूम अच्छी तरीके से देख लो, ये शॉप वाला रूम है, मतलब रूम था इसमें बिल्डर्स ने ये दिया है, शटर लगा के शॉप बना दिया। तो ये मेरा रूम है, यहाँ पे आपको कुछ सामान दिखते होंगे, यहाँ पे कुछ सामान है, यहाँ पे कुछ सामान है, बहुत कुछ है भाई, सब सेट हो चुका है। अब बस खाली कारपेंटर से काम करवाना है, मिस्त्री से काम करवाना है, लाइट वाले से काम करवाना है, बहुत कुछ लाइट करवाना है। अब तो आज पहला काम क्या होने वाला है कि यहाँ पे यू कैन सी कि बस यही एक ही पावर सप्लाई के लिए बोर्ड है और कुछ भी नहीं है, ये है बट ये फैन वगैरह के लिए, तो मतलब कुछ भी नहीं, बस यही एक है जिनमें से मैंने वाईफाई का लैंड डलवा रखा है, तो और नहीं है। तो अभी मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए मुझे 3 से 4 चाहिए, ये वाला पार्ट जो माउंट वाला पार्ट होता है इसमें 3 से 4 चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि अपने जो मेरे मिस्त्री को बुलाया, मैंने पावर वाले को बुलाया, उसको मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे ऐसे ऐसे 3 स्लॉट्स वाले मुझे लगा के दो और बड़ा सा बोर्ड चाहिए मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे आज वो काम होने वाला है। मे बी मैं आपको शो ना कर पाऊँ क्योंकि मैं कहीं पे जा रहा हूँ, बट स्टिल आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। पहला काम है यही होने वाला है कि यहाँ पे वो बोर्ड लगने वाला है, 3 प्लग इन वाला। तो ये पहला काम होने वाला है आज यहाँ पे एंड रूम आपको अच्छी तरीके से दिखाई दिया हूँ। तो आइए आज इस पहले को काम को कराते हैं एंड अब यहाँ से ये ब्लॉग कम से कम 10-15 दिनों का होने वाला है, बहुत बड़ा ब्लॉग होगा बट बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को। तो गाइस जुड़े रहो, ये बहुत ही प्रीसियस जर्नी है क्योंकि इसके बाद आपको ब्लॉग्स की आदत लगने वाली है क्योंकि कंटिन्यू सब चीज़ें होने वाला है। तो बस यही था एंड चलो इस ब्लॉग को शुरू करते हैं, दिस होल जर्नी को शुरू करते हैं, लेट्स गो। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna.
that's all fact. फाइनली हमारे ड्रीम का, हमारे ड्रीम सेटअप का आज सेकंड और भी सबसे मेजर काम हो रहा है. एज यू कैन सी दिखाई दिया है पेंट भाई, पेंट. ये मेरा शॉप एंड ये वो जगह जहाँ पे मैंने सारा काम किया है, यू नो 75 हार्ड का. तो आज हमारा सबसे मेजर काम कंप्लीट हो रहा है, पेंट वाला. ये काम कंप्लीट होते ही सारा सेटअप शुरू हो जाएगा. तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. लेट्स गो. आ जाओ, तुम लोग अच्छे से दिखाए तो भाई बना बोलोगे. कि रिवील क्यों नहीं कर रहा, थोड़ा सा तो रिवील कर ही सकता हूँ भाई. ये देखो अभी सारे होल्स एंड ऑल सब भरे हैं, अब प्राइमर मारेंगे. तो मज़ा आने वाला है भाई, देखते रहो. 3-4 दिन तक ब्लॉग चलने वाला है, सब कुछ देखेंगे. कीप वॉचिंग. सो गाइस, कल का दिन था प्राइमर का, जहाँ पे सारे खड्डा होल्स एंड दाग वगैरह जो थे, डार्क स्पॉट्स, वो फिलअप था. वो सारा चीज़ हो गया है एंड नाउ आज फाइनल कलर डे है. ये देखो ग्रे एंड वाइट का जो हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं वो हो रहा है यहाँ पे. तो आज फाइनली हमारा सारा काम ये कम्प्लीट हो जाएगा. Let's go, super duper excited. Hey guys, hi, what's up? So, आप लोगों को पता है पिछले मैंने कितने बार यहाँ पे वीडियो लिया हुआ है एंड कभी भी आज से पहले इतना अच्छा वीडियो नहीं आया जितना फुटेज आज आपको लगता हो. बिकॉज खुद ही नोटिस कर लो यार, लाइक कितने बार यहाँ पे वीडियो ले चुका हूँ और यहाँ पे वीडियो कितना ज्यादा डल और नॉइजी आता है. और आज देखो कितना ज्यादा खिला हुआ वीडियो आ रहा है, कितना ज्यादा ब्राइट वीडियो आ रहा है. हाँ तो भाई ये अपना वही रूम है जिस रूम में अपने अपना 75 हार्ड कंप्लीट किया था, अपना वो स्ट्रगलिंग टाइम को फेस किया था. एंड नाउ लुक एट दिस रूम मैन, जस्ट लुक एट दिस रूम, इट्स लुकिंग लाइक वाह. अब ये रूम, ये वाले वॉल पे भी एक काम होना बाकी. यहाँ पे कोई डिजाइन बनने वाला है, ट्रायंगल मतलब कुछ 3D डेकोरेशन होंगे, विच विल लुक मोर गुड. तो भाई बहुत ज्यादा मजा आ रहा है. हमारा सबसे बड़ा और सबसे मेन काम होगा क्योंकि पेंटिंग है. अभी ये चीज बहुत ज्यादा लुक खराब कर रहा है. हम इसके साथ कुछ तो करने वाले, कुछ तो शॉर्ट है इसके साथ और ये अपना डोर के साथ. ये दो के साथ हम मे बी नेक्स्ट मंथ करेंगे, बट इस मंथ में जितना कुछ होगा सब बूम होगा ब्रो. तो अपना पेंट का काम कंप्लीट हो चुका है एंड कल या परसों से हम लोग और काम शुरू कर देंगे. तो डे बाय डे आपको अपडेट देते रहेंगे एंड दिस ब्लॉग, दिस जर्नी इज गोइंग टू बी सो बिग. सो कीप कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड. इसको कितना ज्यादा अच्छा बना सकते हैं. तो लेट्स सी रिजल्ट क्या आएगा. तो भाइयों ये देखो, अब बताओ कैसा लग रहा है. बोलो फुल कड़क, बोलो 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 कड़क नरम. तेरा मुंह देखा क्या भाई, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है. सब चीज़ जो भी हो रहा है फटाफट ये सब हो जाए, मन को शांति मिल जाएगी अपने. A few minutes later. So guys, हमारे इस मिशन का सबसे बड़ा चीज ये है क्योंकि यही चीज हमारा सारा करियर फ्यूचर डिसाइड करने वाला है. तो ये चीज है वो छोटी सी, लाइक आप बोलो रूम में इतना पेंट करा, इतना कुछ करा, उसकी इज्जत नहीं दे रहा है और इसकी इतना इज्जत दे रहा है. बिकॉज द रीजन बिहाइंड इज सो बिग, सो ह्यूज भाई. तो आ जाओ इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं है क्या. तो आ जाओ अनबॉक्स करते हैं. चलो, ये प्रोडक्ट हमने मंगाया है द एमबी स्टोर. आप इंस्टाग्राम पे इनका प्रोफाइल देख सकते हो द एमबी स्टोर के नाम पे एंड इनका मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल बढ़िया है भाई. काफ़ी अच्छे रिव्यूज थे तो हमने मंगा लिया. पता नहीं मैं इधर स्पॉन्सर वीडियो क्यों बना रहा हूँ क्योंकि स्पॉन्सर है. अच्छा आज इसका अनबॉक्स है. सो भाई हमारे पास कटर या फिर ब्लेड वगैरह तो नहीं है, इसलिए हमने इससे करने वाले कैंची से, इधर से करने वाले पूरा कटिंग. लेट्स प्यार से भाई, ये सब चीज़ों में प्यार बहुत जरूरी है. आराम से क्योंकि आपकी एक मिस्टेक आपका करियर खराब कर सकता है. हाई लाइट एलईडी एडाप्टर, लाइट सुन के आपको पता चल गया होगा क्या भाई.
और आपको सस्पेंस रखेंगे अभी हम लोग अंटिल अनलेस मैं तुमको अच्छे तरीके से ना दे पाऊं आई वोंट रिवील टिल की व्हाट इज इट जस्ट कीप वाचिंग की व्हाट इज इट गोइंग टू बी भाई घर में कचरा होने वाला और मुझे पानी वाली बात तो सही है क्योंकि मेरा रोज का है कि मैं कचरा तो कर देता हूँ बट साफ नहीं करता आलसी ब्रो आलसी जो आलस है आधा मत कर रहा जिसका शुरुआत हमने कर दिया भाई मतलब बहुत टाइम से इसकी ड्रीम थी कि वन डे आई डेफिनेटली डू इट डू इट डू इट डू इट एंड फाइनली वी डिड इट गाइस हमारा ब्रांड कास्ट प्रोडक्शन व्हिच इज कैप्चर्स द एवरी मोमेंट यू लिव इन योर लाइफ तो भाई आज हम इसको जला के देखते हैं कैसा है फाइनली सब कुछ अच्छा है तो गाइस ये लाइट किसका है कास्ट प्रोडक्शन किसका है लाइट ये देखो किसका है लाइट भाई है ना सवाल बताओ काश प्रोडक्शंस हियर आवर कंपनी आवर ब्रांड तो भाइयों बस तुम्हारे भाइयों को दुआ दो कि कंपनी और नाम बहुत आगे जाए एंड अपना ये बिजनेस सक्सेसफुल होना चाहिए एंड ऑफ कोर्स माय स्किल्स एंड माय एक्सपीरियंस विल डेफिनेटली ग्रो इट तो भाई आप लोग साथ देना एंड ऑर्डर करो भाई अगर तुम्हारे इधर कुछ इवेंट है तो दिस इज द आवर मेन प्रोडक्ट जो कि हम लोग यहाँ पे प्लेस करने वाले मतलब देखो ये अपना पीसी का पूरा वॉल होने वाला है तो यहाँ पे सारा बिल्डअप्स एंड ऑल होगा तो ये अपर साइड्स पे मैं ये वाले चीज़ों को मतलब ये लाइट को प्लेस करने वाला हूँ तो भाई इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग एंड सूदिंग मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको देख के तो भाई चलो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट डे में जब नेक्स्ट काम होगा मतलब कल भी बहुत से काम होने वाला है तब सीधा कल दिखाता हूँ आज के लिए टाटा सो गाइस आज हमारा टेबल फिक्स हो रहा है यहाँ पे अरे देखो बहुत स्पेशल गेस्ट आया हुआ है एक जिसे पता ही नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है कैसा हो रहा है अचानक से क्या सरप्राइज हो गया है कैसा लग रहा है भाई अच्छा लग रहा है तो अपना टेबल आज सेट हो रहा है प्लस लैम्प के साथ वहाँ पे कैसे होल करके स्पेस बनाएंगे एंड ये देखो एक और प्रोडक्ट आज देखो सारे के सारे प्रोडक्ट हमने ला दिए हैं क्योंकि आज मैं ओपन करके सारा का सारा प्रोडक्ट प्लेस करने वाला हूँ यहाँ पे फ्रेम्स वहाँ पे सेल्स सब कुछ फ्रेम सेल्फ को करें तो उसके साथ साथ ये प्रोडक्ट भी आप देख ही लो के लिए फिर हाँ ये देखो तो ये प्रोडक्ट है हेडफोन स्टैंड जो कि हमारे टेबल के ऊपर होगा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आइए सब चीज़ देखते हैं एंड दिखाते रहूँगा आपको काम चालू है लैंप पिन सब लग गए कलर तो भाई एकदम भारी इसमें लाइट है ये पूरा लाइट जलता है रुको आपको जला देता है लाइट देखो ना आओ भाई ये लेके बैठा है ये पड़ा ये आज डीएस का पूरा कौन सा काम है जल्दी हो जाएगा क्या है देख रहे हो पूरा फैला के रखे हमने ये देखो हमारे इताची साहब इन्हें भी लगाने गए ये अब इसका बाहर आ गया है टेबल फिट हो गया है अब इसके हाथ से कुछ काम डन हुआ है ये देखो अब ध्यान से देख लो भाई ये अपना फुल सेटअप होने वाला है वहाँ पे कुछ अभी रखे जाएंगे वो मैंने बनवा लिया ये हमारा पूरा सेटअप है ये वॉल हम कवर करने वाले हैं फॉर लाइव स्ट्रीम फॉर एडिटिंग फॉर स्टूडियो फॉर कंटेंट क्रिएशन एवरीथिंग यहाँ पे कुछ फैमिली स्टॉप्स होंगे जो कि मैं बहुत जल्दी रखूँ पता चल जाए आपको एंड ये अपना फ्रेम वॉल जो कि मैंने पूरा प्लेस कर दिया है यू कैन सी दिस इट्स लुकिंग अमेजिंग राइट तो अच्छा लगा सब कुछ ऑल सेट पूरा सेटअप रेडी हो चुका है अ फ्यू थिंग्स लेफ्ट ऑनली तो क्या अपडेट पर अपडेट देता रहूँगा तो अब चलो ये एक थोड़ा सा काम बचा है वो कंप्लीट हो जाए पूरा साफ़ सफाई करके एकदम अच्छे तरीके से कर दूँ
फिर मिलता हूँ। A few moments later. So guys, here we go. Ceiling, this frames. इतना डेढ़ा इसको भी सेट करते हैं अपन. Stick कर दूँगा मैं उसको. This frames, this walls, and here we are with our main setup. जो कि मेरे अब से वीडियो में ये फ्रेम होगा हमारा ये. यहाँ पे मैं सीटिंग रहूँगा, हमारा फ्रेम रहेगा. And here some very precious like मतलब क्या बोलूँ मैं precious stuffs like मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स इताची नारुतो एंड गोजो अच्छा क्या बोल रहा हूँ भाई सॉरी इट्स गोकू ब्लू पिंक वेजिटा तो भाई देख लो बहुत सही लग रहा है अभी ये तो कुछ नहीं है तो मैं सर रफली रखा हूँ भाई यहाँ पे कुछ और रखना है ये वेजिटा भी वहाँ पे जाएगा एंड ये दो सेक्शंस में कुछ अलग चीज़ें होंगी तो बहुत सी चीज़ें चेंजेस बाकी है इट्स जस्ट रफ एंड ये हमारा हेडफोन स्टैंड यहाँ पे प्लेस कर दिया मैंने तो इट इज़ ऑल डन अभी बहुत सी चीज़ें बाकी है सो स्लोली स्लोली ग्रेजुअली एवरीथिंग विल गेट अपडेटेड सो आज के लिए बाय बाय भाई 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 दिस इज रियल ब्रो दिस इज समथिंग रियल कैसा लग रहा है बताओ एकदम बूम बम वाली सेटिंग किया होगी नहीं हियर आवर कास्ट प्रोडक्शंस हियर सम कैरेक्टर्स एंड दिस इज ऑल गाइस द नेक्स्ट डे एक बहुत ही कीमती प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है जिसको पाने के लिए मैंने होप खो दिया था बिकॉज व्हेन आई वाज वेंट टू यू नो दैट लैमिंगटन रोड फॉर माय पीसी बिल्ड तो मैं इंटायर मार्केट में घूमा एंड आई जस्ट आस्क्ड देम कि मुझे मेरा हेडफोन मिलेगा कि नहीं दे सेड कि भाई रेड गियर का माल बंद हो चुका है एंड मुझे बहुत पर्सनली इनसाइड आई वाज फीलिंग सो बैड कि भाई यार वो चाहिए मेरे को क्योंकि उस चीज़ से प्यार है क्योंकि मैंने वो चीज़ें बहुत जगह देखी थी एंड मेनली मैंने फुकरा इंसान के सर पे मतलब उसके स्ट्रीम पे ये हेडफोन देखा था तो डेस्परेटली आई जस्ट वांटेड दिस हेडफोन एनी हाउ एट एनी कॉस्ट एंड विद द हेल्प ऑफ अभय हु इज बिहाइंड द कैमरा आई गॉट दिस बिकॉज ही सर्च एवरीथिंग एंड कोई एक रैंडम साइट पे ऑन द क्रोम ही फाइंड आउट दिस एंड फाइनली ही ऑर्डर्ड एंड वन थिंग इज वेरी अमेजिंग कि ये हेडफोन की कॉस्ट 2000 थी ऑन अमेजोन आई वॉज रेडी टू पे बट आई डोंट नो हाउ बट ही गॉट दिस इन जस्ट 1200 रुपीज भाई इट्स ह्यूज सेविंग एंड मजा आ रहा है भाई अदर से अनबॉक्स कर भाई डिलीवरी बड़ा अजीब और ढंग से आया है छोड़ो जाने दो इस समय खुशी मनाते हैं मिलने की है कि नहीं डर लग रहा है भाई क्योंकि 1200 में मिला है ना भाई सस्ते चीज़ पे हमेशा खुश मत हुआ करो सस्ते चीज कैन बी चीट यू ऑलवेज रेड गियर पे आदित्य को पूरी पूरी मार के लाई गई माँ खराब हो जाएगा मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा ऊपर क्या निकलिए प्रोडक्ट सही सलामत रहना चाहिए बाकी कुछ रह चाहिए कुछ स्टीकर चाहिए स्टीकर नहीं अरे इट इज सीडी सीडी यू नो ना सीडी कैसेट प्ले करने वाला सीडी हाउ व्हाई दिस इज फॉर आई डोंट नो बट बिकॉज मेरे ख्याल से हमारे पास ओके दिस इज रेड गियर्स ब्रांडिंग एंड वारंटी कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द बिल वी रिसीव्ड फ्रॉम देम विच इज कॉस्ट 1790 आई डोंट नो व्हाई बिकॉज आई जस्ट रिसीव्ड इन 1200 मे बी बिकॉज ऑफ ऑफर्स लाइक हमने फर्स्ट टाइम परचेज किया था फ्रॉम देम एंड इट वॉज प्रोबेबली द सम डिस्काउंट्स दे गेव अस तो आ जाओ प्रोडक्ट देखते हैं तो भाई हमने प्रोडक्ट को प्रॉपरली देख लिया है एंड इट्स कम्प्लीटली न्यू सो जो हम लोग स्कैम आई वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग इट इज़ नॉट दैट तो अच्छा फील हो रहा है भाई इतना बड़ा है ना भाई ये मेरे कान पे काना लग रहा है अरे माँ कसम आई रियली फीलिंग लाइक कि भाई मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ कुछ भी या इट लुक गुड गाइस अपने आप स्टूडियो में देखेंगे कैसा लग रहा है अभी करंटली आई एम एट माय शॉप तो मैं पापा को लाइक रिलीज यहाँ से करा के थोड़ा उनको रेस्ट फील कराने के लिए यहाँ पे शॉप कीप कर रहा था
तो अभी अपने स्टूडियो में इसको देखेंगे अच्छी तरीके से भी देखेंगे, तब तक ले डाटा बाद अच्छी मजा आ रहा है। आज हमने ये देखो ये अमन वर्मा का लैपटॉप है, सॉरी अभी हम लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे थे। आज हम लोगों ने मैट लगा दिया है, डैक्स मैट, अरे क्या हो गया क्वालिटी को, हाँ डैक्स मैट लगा दिया है खाली देखने के लिए कैसा लुक आ रहा है। तो इट्स नाइस गाइस, ये देखो ये अमेजोन बेसिक्स का हम लोगों ने ब्रांड बनाया है, इसके अंदर मल्टीपल कलर्स है, जो कलर आप चाहते हो यहाँ से बस सेट कर, रेड वाला लाइक अच्छा लग रहा है, खाली डैक्स का कलर इतना ज्यादा है भाई, तो मजा आ रहा है। आज है अपना डे 7-8 हो चुका है, आज एक और प्रोडक्ट से मिलाता हूँ। सो गाइस आज ही हमारा जो तीन काम बचा हुआ है, तीन काम में से क्या क्या काम है, पहला काम यहाँ पे प्रोजेक्टर लैंप लगाना है जो कि ऊपर स्टार प्ले करेगा, एंड दूसरा काम कांच को कटवा के वहां पे कुछ सेल्स बनवाने हैं, और तीसरा काम जो कि हमारा स्ट्रिप लाइट्स था। तो आज फाइनली हमने ऑर्डर रिसीव कर लिया, हमारा स्ट्रिप लाइट आ चुका है, तो आइए भाई अब ये स्ट्रिप लाइट को अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं कैसा है, क्योंकि अब इसको सेट भी करना है ब्रो, तो एक अलग ही वाइब मिलने वाला है। तो भाई चलो अब इसको थोड़ा सा अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि कैसा लगे। हाँ तो भाई हमने दो मंगाया था और ये दो आ गया है, ये अपना हाँ ये रहा अपना बिलिंग, तो बिलिंग को हम लोग डाल देंगे अपने इसके अंदर, तो अभी जितना इनवॉइस आ रहा है सब इस पर डाल रहे हैं। तो दिस इज देसी दिया, व्हाट तो फिलहाल ये जो लाइट है गाइस, ये लाइट है अपना एलेक्सा लाइट, लाइक ये ब्लूटूथ वाईफाई वॉइस कमांड लाइट है। तो हम लोगों ने ये लाइट मंगा लिया है, एंड ये लाइट मंगाने का एक ही रीजन है क्योंकि ये मोस्ट से सोल्ड प्रोडक्ट है ऑन अमेज़न, तो इसलिए हम लोगों ने इसे मंगा लिया। हम लोगों ने टोटल 10 फुट मंगाया है क्योंकि सारे बॉर्डर्स पे लगेगा, और सेकेंडली जो हमारा मॉनिटर होगा मॉनिटर के पीछे भी हम लोग लगा देंगे फॉर मोर एंड बेटर एस्थेटिक व्यू, जैसा कि हमारा सारा चीज जिस तरीके का एस्थेटिक है तो बहुत अच्छा है। तो आइए अब इस प्रोडक्ट को भी प्लेस कर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस फाइनली हमारा स्ट्रिप लाइट कंप्लीट हो चुका है, ठीक ठाक ही मैनेजमेंट लग रहा है मुझे, आई डोंट फील इट इज बैड एंड काफी अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा यहाँ तक का फिनिशिंग अच्छी तरीके से हो चुका है, एंड नाउ फर्दर वी विल लुक टुवर्ड दिस वॉल। तो यहाँ पे हम लोग जो कांच का शेल्फ लगाने वाले हैं, तो वी विल डिसाइड फॉर हियर टू, देखते हैं कैसा दिखने वाला है, लेकिन अभी तो फिलहाल मजा आ रहा है। गाइस आज हम लोग आए हुए हैं एक और काम के लिए, और ये देखो देख के आपको पता चल जाता होगा पूरा सेटअप अपना रेडी है, बस खाली ये एक मेजर काम बचा हुआ था, किशन के साथ आए हुए हैं लेने के लिए, ये देखो बन रहा है यहाँ पे, बस अपना शेयर बनने दो, आपको रिवील करूँगा स्टूडियो में। इतनी घटिया तरीके से लेके जा रहे हो गाइस, देख लो। A few inches later. आज बहुत ज़्यादा मेजर काम हो रहा है, एंड यू कैन सी कि आज बन रहा है हमारा, ये देखो ये पट्टी निकली आप लोगों को, ये पट्टी लगाई जा रही है आज, क्योंकि हमने जो स्ट्रिप स्लाइड्स लगाई हुई थी वो स्ट्रिप स्लाइड्स बार बार निकल रहा था, तो इसलिए आज हमने सीधा लगवा रहे हैं स्ट्रिप पट्टी, कि थोड़ा एस्थेटिक लुक आए, एंड जो लाइट्स स्ट्रिप्स वाली उठ के दिख रही थी वो उठ के ना दिखे, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू और लुक है। तो अभी उसका काम चालू है, अभी दिख रहे यहाँ पे पट्टी आ गई, वहाँ पे पट्टी है, एंड एक और चीज़ आई डिडंट शो यू दैट, ये देखिए हमारा ये यहाँ पे कांच के सेल्फ्स लग चुके हैं, जो कि वेस्टेज कांच था हम लोगों ने उसको सेल्फ बना दिया है। अब इसके ये बॉर्डर से लेके ये बॉर्डर तक यहाँ पे भी वो स्ट्रिप्स लाइट्स आएंगी विद दैट पट्टी, तो सोच लो कितना प्यारा लुक देने वाला है भाई। We are all set to reveal our final thing. Let's go. कोई रोल है कि नहीं तेरा भाई, ड्रीम वर्क
करना पड़ेगा इसका। So guys, finally we are all set. अब खाली ये देखो, ये कितना प्यारा सेक्शन लग रहा है वाला, ये देख रहे हो, लग रहा है कि नहीं जन्नत। नारुतो और इताची को खड़ा किसके साथ किया, देख रहे हो, भगवान श्री कृष्ण के साथ। जोकिंग गाइस, तो वहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे हमारी सारी बुक्स जो कि एक से एक बेस्ट बुक्स है, एंड ऑल सेट गाइस, सब कुछ अब सेट हो गया है। अब नो मोर चेंजेस इन सेटअप एंड नो मोर अपग्रेडेशन, लाइक सब कुछ डन है भाई। अच्छे से देख लो, ये देखो सब कुछ अपन ने अपना पूरा हेवन तैयार कर दिया है, अब कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अब एक काम बचा है खाली, यहाँ पे कैबिनेट और एक मॉनिटर देखने का, जो कि हम लोग 10 तारीख को लेके आएंगे। टाइम तो अभी बहुत है, 4-5 दिनों का टाइम है, फिर भी वेट करना पड़ेगा। और हमारी कल की चेयर जो हम लोग ने लाई है, ये देख रहे हो कितना सेक्सी लग रहा है पूरे सेटअप के साथ, कितना सिंक हो रहा है, बताना जरूर। तो भाई यो सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस अब मैं एक काम कराने वाला हूँ, क्योंकि जो इतने सारे काम जो हुए इनके चक्कर में हमारा पेंट जो है ख़राब हो चुका है। तो इसलिए हम लोग जो मेरे पेंटर थे उनको बुलाऊंगा, उनको बोलूंगा कि भाई एक बार और थोड़ा सा हाथ दोहरा दो, क्योंकि कुछ जगह पे डार्क्स लग गए हैं एंड कुछ जगहों का देखो मिस्त्री के कारण टूट गया है। तो मतलब बहुत चीज़ें हुई हैं जिनका करेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अब सारा काम बहुत अच्छा हुआ है तो मेरे को वो चुभ रहा है कि इतना क्यों नहीं हो रहा है। तो इसको भी कराएंगे कंप्लीट। और एक ये दरवाज़ा, यहाँ पे वॉलपेपर लगवा दूंगा ग्रे कलर के टेक्सचर में, तो थोड़ा लुक देगा, वरना देखो ना प्लाई के साथ लोग कितना गंदा लुक दे रहा है। तो ये हम लोग काम कराएंगे, ये दो काम बस है एंड बस वी आर ऑल डन। तो भाई बताना जरूर कैसा लग रहा है, फाइनली आई फुलफिल्ड माई ड्रीम, इट सीम्स लाइक दिट। तो भाई रूम बहुत सही लग रहा है, और ये लोग देखो कैसे आगे पड़े गए, देखो कुछ काम धंधा नहीं है भाई, छोड़ो। तो चलो जुड़े रहो, देखते हैं नेक्स्ट अपडेट कब कराऊंगा, तो मैं आपको जरूर अपडेट दे दूंगा। Day 4. After a huge trouble, अब हम लोग निकल चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए एंड पता नहीं हम लोग 5 or 6 o'clock तक हम लोग पहुँच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि तभी लिया कि नहीं अंदर का वीडियो नहीं तो गाइस फटाफट स्टेशन पहुँच रहे एंड वहाँ से फिर निकलेंगे अपन ग्रैंड रोड लेमिंगटन रोड। एंड ब्लॉग मैंने बहुत ही इनडायरेक्टली स्टार्ट कर लिया है, सारी चीज़ें बताता रहूँगा। आज जा रहे हैं फाइनल चीज़ के लिए, क्योंकि हमारा फाइनल चीज़ मेन चीज़ है, आज ही पूजा है, आज ही ओपनिंग है। लेकिन उसके बाजू वाले लड़के ने नंबर मेरा लिया, इसका साले मैनेजर ने नंबर लिया है भाई, मैनेजर ने सब्सक्राइब किया है, कुछ भी बोल रहा है मेरे लगा देगा ये। तो गाइस चलते फटाफट स्टेशन पहुंचते, लेट्स गो। फाइनली टिकट लेके निकल चुके हैं हम लोग ट्रेन पकड़ने के, आओ ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन में बातें करते हैं, लेट्स गो। अलग हो गए गाइस, वहां बैठा हुआ है, मैं यहां पे बैठा हुआ हूं। ना ज़्यादा रस किस बात पे पता नहीं, फिलहाल गोइंग टू ग्रैंड रोड, लेट्स गो। तो गाइस लेमिंगटन के गलियों में हम लोग घूम रहे हैं, और अगर जिसको लेमिंगटन नहीं मालूम है, लेमिंगटन रोड एक बहुत ही बड़ा पीसी मार्केट है, जहाँ पे चारों तरफ आपको पीसी 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 कंप्यूटर असेंबलिंग यही सब दिखने वाला है। एंड ये देखो एक गली, देखो दो गली, ऐसे बहुत से मल्टीपल गली हैं एंड शॉप्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो आपको कस्टम पीसी बिल्ड करके देंगे एंड प्री बिल्ड भी चाहिए तो सब मिल जाएगा। तो फिलहाल हमारे बात हो चुका है ऑलरेडी, और जो अंदर चलता है आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। फिलहाल मैं और ऋतिक घर से निकल रहे हैं पीसी बिल्ड के लिए, भाई 2 घंटे में काम हो जाए तो हमारी नसीब, लेट्स गो। तो इट्स अ प्लेस जहाँ पे हमें जाना है, देखो भाई गुप्त गलियों में जा रहे हैं हम, यहाँ पे अंदर होल सेल है बहुत बड़ा, सो वी आर गोइंग टू दैट होल सेलर। देखो यहाँ पे ये पूरे होल सेल, मतलब जो जो एक एक स्पेक्स बिल्ड होते हैं ना, सब यहाँ पे होते हैं। एंड हमारा बात हुआ है गाला नंबर 9 में, लक्ष्य कंप्यूटर्स करके हैं उन लोग, तो आ जाओ भाइयों वहाँ चलते हैं और अपना पीसी बिल्ड कराते हैं, ड्रीम पीसी, ड्रीम पीसी। बाकी आपको सब रिवील बाद में बताऊँ। ये देखो लक्ष्य कंप्यूटर्स, ऋतिक भाई इंटर करो, आ जाइए। भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बंदा, लेट्स गो। फाइनली पहुंच गए, अब अच्छा लग रहा है ना भाई का इंट्रो, हमारे भाई जिन्होंने हमें बेस्ट डील दिया है फॉर दिस पीसी, व्लॉग बना रहा है आपका, अच्छा बना लूंगा यही भाई अपने को बिल्ड करके देना है। तो भाई कुछ बोलना चाहोगे लक्ष्य कंप्यूटर? नहीं, झूठ बोल रहा है। तो चलिए भाई अपना पीसी बिल्ड कराना शुरू करते हैं, लेट्स गो।
7 बजे पहुंचा है और ऑलरेडी यहाँ पे 6 o'clock हो चुका है। अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ है क्योंकि बहुत जैसे सिर्फ डीलिंग और बहस हो रहा था। सारी चीजें मैं आपको फिलहाल अभी सारे कंपोनेंट्स इन्होंने मंगाया है जो कि असेंबल शुरू होगा, मैं आपको बाकी चीजें अपडेट करते रहता धीरे धीरे। काफी गंभीर मामला है भाई। ये देखो सबसे प्यारी चीज हमारी आज की, जिसके जान फिदा किया था भाई। ये देखो सारा सामान अपना आ चुका है एंड अब जाके बिल्ड शुरू होगा। ये देखो हमारा ग्राफिक कार्ड, ये रहा हमारा कूलर एंड दिस इज अवर SMPS। बाप रे बाप, बहुत वजन है भाई, माफ करना, एक हाथ से उठा लिया। एवरीथिंग इज रेडी हियर। ये भाई देखो, इसके वैसे इतना बड़ा मैटर हुआ है ना भाई, मैं आप लोगों को सबको बाद में बताऊंगा। चल झूठा, हंस मत भाई, तू हंस मत, हंस मत तू। अभी गाइस देखो सब आ चुका है, चलो फटाफट बिल्ड रेडी करते हैं। व्हाइट चाहिए था भाई, व्हाइट है, हाँ व्हाइट है, व्हाइट है, व्हाइट है, हाँ सब व्हाइट है, व्हाइट नहीं है। एवरीथिंग इज रेडी एंड वी हैव चेंज्ड आवर प्लान कि यहीं पे पीसी बिल्ड करना है, लेकिन अब नहीं करेंगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। सब चीज घर पे लेके जा रहे हैं ऐसे इंजीनियर के साथ, तो घर पे जाके बिल्ड कराएंगे क्योंकि पूजा होना बहुत जरूरी है। मुहूर्त निकल रही है, पंडित जी तैयार बैठे हुए हैं, तो इसलिए सारा सामान हम लोग यहाँ से घर पे लेके जा रहे हैं और घर पे ही बिल्ड होगा पूजा करने के बाद। तो चलो फटाफट निकलते हैं, हमारे से डील किया है। हाँ चलो भाई फटाफट निकलते हैं। सो गाइस फाइनली निकल चुके हम लोग घर के लिए आफ्टर अ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल एंड ट्रबल्स आल्सो। भाई का मुझे अभी हम लोग बैठे हुए लगेज में और इतने बुरे तरीके से हमारा सब सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है एंड मेरा हालत मत देखो ना, जज करना प्लीज एंड आपको दिखाता हूँ सामान जो मैं देखो। तो हमारा पीसी, इसके लिए इतना मेहनत किए, इतना स्ट्रगल किए और ये देखो कैसे पड़ा हुआ है आराम से। ये देख लो ऐसे जगह हम लोग आराम से आ रहे, ये हाल है हमारा। राजा जी तो गाइस बस फटाफट घर पे पहुंचे एंड सब कुछ एंड करें, लेट्स गो। इट्स ऑलमोस्ट रेडी, कुछ चीज़ें और हैं जो डालने जैसे ग्राफिक्स एंड फैन इंस्टॉल करना है, दैट्स इट। हमारा पीसी रेडी हो जाएगा, बाकी मॉनिटर एंड कीबोर्ड एंड माउस इज देयर, क्योंकि मेरा नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि डिलीवरी थोड़ी लेट होने वाली है उस चीज़ की, सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। टिल देन इससे काम चलाएंगे एंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेट्स सी कैसा रहने वाला है। Someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better friend. Guys, abhi hamara open kar raha hai graphic card white. ये सौभाग्य अभय को मिला है, इतने ब्रूटली ओपन कर रहा है भाई, बड़ा अच्छे से प्यार से बिहेव कर ले। लावी बस कितना अच्छा तूने ओपन किया, बहुत अच्छी बात है। इसकी हम लोगों को जरूरत नहीं है, हमें इसके बारे में जानना है। दिस इज आवर ग्राफिक कार्ड, ये ग्रेट ही लग रहा है। अच्छा पैकेट है, नहीं है भाई पैकेट है, कट करना पड़ेगा। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million जरूरी नहीं है कि
सब कुछ बराबर हो जाए. What? Bro, what are you talking about, man? पहले देखो बोल दी मैंने. So here we go, guys. Let's go. वो तो चेंज हो गया सब पहले चालू. भाई वो फैन है वो अंदर क्या है? फैन है सर. अरे वो लिक्विड कूलिंग का So guys, finally, हमारा सारा सेटअप हो चुका है एंड यहाँ पे मेरा बड़ा भाई देखो ट्राई कर रहा है एंड अपने पीसी का लुक देखो भाई जिस लेवल का अपना पीसी का लुक है ना भाई इट्स जस्ट अमेजिंग. वही देखो मुझे भी लगाना है अलग ही चार्जर. मम्मी देखने आई है यहाँ पे एंड सब कुछ देखो कितना सही लग रहा है भाई. ऑल सेट बहुत बढ़िया लग रहा है सब कुछ. बस हो गया गाइस सारा चीज डन हो चुका है. बस एक चीज और आ जाए मैं इस ब्लॉग को एंड करूं क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से खाली ये ब्लॉग चल रहा है और बहुत ज्यादा सो रहा है उसके लिए सॉरी. तो टाटा बाय बाय आज के दिन के लिए भी मिलते हैं नेक्स्ट डे. 2000 years later. सो गाइस फाइनली मम्मी आ गई है पूजा का सब सामान लेके. तो अपन इसको खोलते हैं. किसी काम से आ रहा था लेकिन अब फटाफट इसको खोलते हैं एंड सेटअप करते क्योंकि भाई मुझे तो एक्साइटेड हूं चुल मची पड़ी. तो अपन पहला करेंगे कट. हो गया भाई हमारे घर बड़ा कम था यार मजा नहीं आया. मतलब पूरा वाइब नहीं लेने दिया अपने को. हां भाई खतरनाक ये पकड़ इसको. तो हमारे साथ भाई हीट आ गई है. सो गाइस ये इसका ये वाला पॉइंट बहुत फेमस है. अब आगे देखो गाइस आगे देखो जल्दी आगे दिखाओ. तो अपन निकालेंगे पहले निकालेंगे पूरा बॉक्स से बाहर निकल पाए लेट तेरा मुंह भी लू. चलो भाई अबे भाई तू ब्लॉग में भूल दीजिए एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए. ये बहुत ही अच्छी तरीके से पैकेजिंग लग रही है इस समय. सब देखो सिस्टम से आया है. आज एक एक चीज दिखती क्या है. जैसा कि हमें दिख रहा है कि हमारा बेस है और कुछ पकड़ जरा ये 10 किलो के आसपास का है गाइस. बड़ा ही वजन है इसका ये स्टैंड एंड इसको अपन थोड़ा यहाँ पे प्लेस करेंगे अपने सेटअप के इधर भाई. देख भाई ठीक देख ये है हमारा थोर जी का हथौड़ा. बहुत ही ज्यादा हैवी है ये. अरे भाई 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 बिल्ला अच्छा इसको ऐसा करने वाले क्या. हाँ देखो नीचे से वो माउंट करके करेंगे अपन. अभी अपन साफ करेंगे. दिस इज द बीस्ट. बहुत ही ज्यादा एमएच का ये हमारा अडैप्टर है भाई. बहुत ही खतरनाक लेवल का अडैप्टर है ये. एंड ये चार्जर है नहीं रे तो अबे भाई उसके अंदर कनेक्ट होएगा पावर सप्लाई का. अपने को भाई देखो नॉलेज के मामले में एकदम अपन फेंगा है ना इसलिए. एंड दिस इज आई डोंट नो समथिंग एंड दिस इज यूएसबी टू एचडीएमआई एंड यूएसबी टू सी बोथ ब्रो. अरे सी टू सी भाई और बहनों बड़ा ही मजा आने वाला है बताओ. अरे दो दो अपने को दिया गया है. एक रखेंगे दूसरा बाद में रखेंगे. आई कुछ तो करेंगे लेकिन काम लेगा. हाँ भाई और दिस इज ओके दिस इज सम स्क्रूज भाई स्क्रूज. तो इसको भी साइड करेंगे तो भाई बड़ा मजा आ रहा है. आ जाओ आगे का ओपन करते हैं. हाँ भाई, भाई के साथ तो भाई को उसको सीधा कर दिए हैं एंड ही वी गो. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. चलो तो इसको कैसे खोले. ओ कैसे बोल रहे हैं अभी पैनल है.
के चक्कर में अगर गिरा तो अपन रोएंगे जिंदगी भर, क्योंकि भाई 50,000 का मॉनिटर है। आपको पता है मैं 10,000-12,000 का मॉनिटर खरीद सकता था, बट मैं सीधा 50,000 पे गया, बिकॉज आई वॉन्टेड अल्टीमेट, यू नो वॉट, आई एम ऑलवेज द बेस्ट। आज इसको खोलते हैं, थोड़ा माउंट माउंट वाला सिस्टम करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था फटाफट रेडी हो जाएगा, बट ऐसा लग नहीं रहा है, तो टाइम तो लगने वाला है, और मेरे को भी मेरे पैसे रुकना पड़ेगा। आओ फटाफट लगाते हैं। सही बात है भाई, मेरे को लग रहा है मुझे समय लगेगा, तब तक खाना का डिले हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया, जा तू खाना बनाओ जल्दी से, कुछ खुलिया भाई भाई हम आ जाओ, अपन अपना इसका काम करते आ जाओ। तो ऊपर नीचे हो रहा है, अरे ऊपर बहुत स्मूथली हो रहा है, नीचे बड़ा टाइटली हो रहा है, वेरी टफ। तो आओ गाइस इसको फटाफट अपन माउंट कर देते हैं भाई, हम फिर जाते हैं, एक चीज बड़ी स्पेशल लेके आते हैं। मैं और अभय जा ही रहे थे उस चीज लाने के लिए, बट माय मॉम केम सो सून, शी नॉट केम सन, बट मैंने उनको बोला था जल्दी आ जाओ, उनको एक्साइटमेंट हो गई। बट उसके बाद भाई देखो अभी लग रहा है कि टाइम ये सब चीज़ों में भी फूल जाता है, तो आज उसको पहले अपन अच्छी तरीके से असेंबल कर लेते हैं। एंड असेंबल करने के बाद एक चीज है जो मैंने बोला लाइफ का स्ट्रेस लगाने के लिए, उसका कनेक्टर मिले मेरे पास भाई। अभी फिलहाल हम सिर्फ दो ही हो गए, इसलिए वीडियो तो मुझे लग रहा नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि बहुत फटाफट काम करना ना, इसलिए तो बैटरी रेडी होके देखेंगे। चलो देखो 3, 2, 1 सेट, सारा चीज सेट हो गया है काफी। देखो अपना जो डेस्कटॉप कैसा फील आ रहा है, पूरा बहुत भरा भरा सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एंड कैसा लग रहा है 10 आउट ऑफ जरूर रेट करना। अब आ जाओ अपने पीसी को स्टार्ट करते हैं, और जैसा कि आप मॉनिटर को देख सकते हो वॉबल थोड़ा है, हल्का फुल्का, जो कि मैटर नहीं करता, तो जो भी है बाकी मॉनिटर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, प्रीमियम क्वालिटी का। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 लेट्स गो। हाँ भाई देखो डेस्कटॉप स्टार्ट हो चुका है, माउस को क्या हो गया, माउस भी स्टार्ट हो गया, हो गया माउस भी स्टार्ट हो गया भाई, धीरे धीरे सब स्टार्ट हो गया। एंड Here we go with our PC start. हो रहा भाई, हो रहा है, हो रहा है। अरे इधर बटन है। नहीं सारे। भाई मॉनिटर क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। स्टार्ट हो गया भाई, रुक गया, चालू है। रुकना भाई, नीचे लाइट जा। हाँ हाँ चालू है भाई, चालू। हो गया स्टार्ट। क्रम क्रम चू। इधर लाइट जा। भाई आ जाओ इसको भी देखते हैं, क्योंकि पीसी चलाना तो नहीं है, खाली अपन देख रहे हैं। अब आगे उसका पूजा कराए बिना चलाएंगे नहीं, वी वोंट प्ले द एनीथिंग। तो आ जाओ पहले देखते हैं अच्छी तरीके से। एवेंचुअली हे गाइस, हाय, सो सॉरी आई डिडंट इन्फॉर्म, एंड पूजा वगैरह सब हो गया, जैसा कि आपको टीके से पता चलता होगा। एंड मेरा फ़ोन चार्ज में था, तो मतलब पता भी नहीं चला यार, और मेरा बताना भूल गया, तो उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। एंड नाउ आई कैन फाइनली से कि इट्स ओवर हियर, हमारा सारा व्लॉग कंप्लीट हो चुका है। एंड वंस अगेन आई डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं एक अलग से सेटअप टूर का व्लॉग बनाऊं। अभी रात के कुछ 12:30 बज रहे हैं, एंड आई एम जस्ट फिनिशिंग दिस व्लॉग हियर जस्ट बिकॉज कि मुझे इसमें डाल के एडिटिंग करना है भाई। तो आ जाओ एक बार अच्छे तरीके से पीसी आपको दिखा देता हूँ, एंड इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ये 20 दिनों की जो जर्नी थी, इट वॉज सो गुड, एंड मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होने वाला है ये सारी मेमोरीज। And thanks for your love and support. आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है भाइयों, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे वो जो रिदम एक फ्लो लोगों ने दिया है ना, मैं वो नहीं भूल सकता भाई। चाहे वो मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू हो, चाहे मेरे फैमिलियर लोग ही हो, मेरे रिलेटिव्स ही क्यों ना हो,
ईच एंड एवरी वन लाइक कि भाई तू बहुत सही कर रहा है, करता जा, एक दिन तुझे तेरा डेस्टिनेशन जरूर मिलेगा. एंड आई एम नाउ फाइनली गेटिंग इट. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग विद मी एंड बीइंग विद मी एंड थैंक यू सो मच. अरे इसका मुंह देखो, वहाँ से दिख रहा है कोने से तेरा. सो गाइस बाय बाय, टाटा, सी यू. ऐसे जुड़े रहो, कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज. अब कुछ भयंकर आने वाला है, आज पीसी एक बार देख लो फिर अच्छे से बाय कर दो. तो गाइस ही वी गो, ये देखो अपना मॉनिटर एंड ये अपना पीसी. कितना सेक्सी लग रहा है भाई, मतलब आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस. कितना जो लाइक लुक है ना भाई, ये देख रहे हो. बस अभी एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, वो आ जाए फिर आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगा. एंड दैट इज़ माय कीबोर्ड. कीबोर्ड मेरा पूरा मेटल बॉडी है एंड होल कीबोर्ड इज़ RGB. पूजा आपको दिखता ही होगा, ये देखो शिव जी का स्वास्थ्य यहाँ पे बना हुआ है. तो यही है हमारा पीसी, ये है हमारा सेटअप एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई. मतलब कैसा लग रहा है आप लोगों को जरूर कमेंट में बताना. एंड के लिए मैं आप लोगों को अलविदा कहता हूँ. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it.